गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सुनहरी धूप का पार्ट 4। अभी पार्ट 3 तक तो आप लोगों का पूरा हो गया ना, पार्ट 3 हमने कराया था। सर देखो, होनहार विरवान के होत चीखने पार हुआ ना पूरा सबका। यस, अब सबका पूरा हो, जिसका नहीं हुआ वो कर लेगा पूरा, हमसे चेक भी करा लेगा, ठीक है, व्हाट्सएप में डालेगा तो हम चेक करेंगे। अब आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट चार है आप लोगों का सुनहरी धूप का पार्ट 4, लहरों का गीत। क्या है? लहरों का गीत। एक बच्ची अपनी माँ से लहरों के बारे में बात कर रही है। हमें जीवन में सदैव आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या शिक्षा मिल रही है इस पार्ट से? क्या ये पार्ट का वो सारांश कि हमें आगे ही आगे बढ़ना चाहिए, कभी पीछे नहीं कि रुक जाना चाहिए, थक गए तो रुक गए, इसलिए कहते हैं ना आलस नहीं करना चाहिए। आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो जो लोग बिना घबराए मन में जोश उत्साह व उमंग भरकर अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहते हैं, वे उन्नति के शिखर पर अवश्य ही पहुंचते हैं। मतलब हमें जीवन हमेशा कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए किसी भी उससे, किसी भी सामने कोई मुश्किल आ जाए तो उससे घबराना नहीं चाहिए। जो लोग घबरा जाते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, है ना, और जो आगे बढ़ जाते, जो घबराते नहीं हैं वो आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। मन में जोश उत्साह व उमंग भर के हमने जो भी निश्चित किया है वो अपना उद्देश्य पूरा करना ही चाहिए, और मन में सोच लेना चाहिए चलिए आज हार गए, आज बिगड़ गया काम कल बनेगा, कल अच्छा नहीं होगा परसों अच्छा बनेगा। तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए अपने मन में, और आज यदि कम मेहनत से हमने काम किया है तो कल उससे भी अच्छी ज़्यादा तैयारी करेंगे, हैं, यदि कल भी हार गए तो परसों उससे भी ज़्यादा अच्छी तैयारी करेंगे। तो जोश के साथ, उत्साह के साथ और खुशी मन में खुशी से अपने उद्देश्य की और निरंतर अग्रसर, मतलब हमेशा उसमें प्रयास करते ही रहना चाहिए। तो जो ऐसे प्रयास करते हैं तो वे उन्नति के शिखर पर अवश्य ही पहुंचते हैं, मतलब अपनी मंजिल को अवश्य ही पा लेते हैं। अभी आप लोगों का लक्ष्य क्या है? पढ़े लिख करके अच्छा कुछ पढ़े लिख करके अच्छी नौकरी पा जाओ, हैं, अच्छा व्यवसाय शुरू कर लो। तो अभी क्या उद्देश्य है आपका? पढ़ाई करना, और पढ़ाई के लिए अच्छे नंबरों, उसका लक्ष्य क्या है आप लोगों का? पढ़ाई करके क्या लक्ष्य है? अच्छे नंबरों से पास होना, है ना। तो इसलिए क्या है, यदि इस बार आपकी कम नंबर आए तो कोई बात नहीं, इस बार और ज़्यादा मेहनत, लास्ट ईयर आपने कम मेहनत की, आज इससे भी ज़्यादा मेहनत करो तो क्या होगा, और अच्छे नंबर आएंगे। तो ये इस कविता से हमको यही शिक्षा मिल रही है। चलो देखते हैं हम कि क्या है कविता के अंदर। माँ ये लहरें भी गाती हैं, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपनी अपने गीत सुनाती हैं। जब हम कभी नदी के किनारे जाते हैं तो आवाज़ आती है ना, चल 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 चल, इस तरह से आवाज़ आती है, लहरें जो उठती हैं ऊपर नीचे ऐसे उठती है ना, तो ऐसा लगता है कि ये लोग एक जैसी आवाज़ आती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे अपने गाने गा रही हैं ये लहरें, गाने बहुत मीठे मीठे स्वरों में, बहुत मधुर स्वरों में गाने सुना रही हैं। तो एक छोटी बच्ची है, वो भी गई थी तो उसने सुना ये, तो उसने माँ से कहा कि माँ देखो ये लहरें भी गा रही हैं अपने अपने कल कल छल छल की आवाज़ से अपने गाने सुना रही हैं। मैं देख रही थी अभी अभी ये भी मुझ जैसी मचल रही, क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भरभर उमंग में उछल रही। अभी मैं देख रही थी, बच्ची अपनी माँ से बोली, अभी मैंने देखा कि ये भी मुझ जैसी मचल रही हैं, जैसे मैं आपसे जिद करने लगती हूँ ना किसी चीज़ के लिए मचल जाती हूँ, उसी तरह से ये भी लहरें भी ऊपर नीचे उठ कर कभी गिर रही हैं उठ रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मचल रही हैं, जिद कर रही हैं, अब क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही। अब पता नहीं इनको क्या मिल गया है, इनको तो खुशी के मारे ये उछल रही हैं,
तट से आ आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। लहरें वहाँ तक जाती हैं, उछलती उछलती किनारे तक जाती हैं और वहाँ से फिर वापस आकर हैं फिर वापस जा वहाँ पर बीच में धारा में चली मिल जाती हैं। ऐसा लगता है कि समुद्र किनारे आकर के तट से किनारे से कुछ बातें कह जाती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं, माँ ये लहरें भी ऐसा लगता है कि गाना गाती हैं। मैं कब से बुला रही इनको पर मेरे पास नहीं आती, कुछ खेल खेलती इसीलिए तट तक आकर फिर भाग जाती। बच्ची बोल रही है कि मैं कितनी देर से इन्हें बुला रही हूँ कि मेरे पास भी आ जाओ। वो भी बच्ची है तो उसका भी मन खेलने के लिए कर रहा है, मैं इसको बुला रही हूँ कितनी देर से लेकिन ये मेरे पास नहीं आती हैं, कुछ खेल खेलती इसीलिए तट तक आकर फिर भाग जाती। ऐसा लग रहा है कि ये आपस में कोई खेल खेल रही हैं और किनारे तक आती हैं और फिर भाग जाती हैं। जैसे चूहा छवाई चूहा उनका खेल खेलते हैं ना, तो उसमें पकड़ने का खेल खेलते हैं, तो ऐसा लगता है कि तट को या छूने का कि तट को छूती हैं किनारे को छूती हैं और फिर वापस भाग जाती हैं। ऐसा लग रहा है कोई खेल खेल रही है हैं और मैं इनको बुला रही हूँ कि मेरे पास आ जाओ तो ये मेरे पास नहीं आती। मैं चलूँ साथ खेलूँ इनके, देखो ये मुझे बुलाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। बच्ची कह रही माँ से कि मैं भी चलूँ और इनके साथ खेलूँ हैं, देखो ये मुझे बुलाती हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं ये मुझे बुला रही हैं तो मैं भी चलूँ और इनके साथ खेलूँ, माँ ये लहरें भी गाती हैं। ऐसा लगता है कि माँ ये लहरें भी कल कल छल छल की आवाज़ में गाना गा रही हैं। अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से। लहरों में जब पानी में ऊपर से देखो तो चंद्रमा दिखता है ना, चंदा मामा दिखते हैं लहरों में, तो ऐसा लगता है कि ये लहरें अपने संग खेलने के लिए चंदा मामा को भी अपने साथ उतार लाई हैं, आकाश से अपने नदी अपने धरती पर उतार लाई हैं अपने साथ खेलने के लिए। हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से, और तब से हर एक लहर के साथ जितने लहरें होंगी उतने उतने चंदा मामा उसमें बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि हर एक लहर के साथ ये चंदा मामा भी उनके साथ खेल रहे हैं। कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। जितनी लहरें बनी हुई होंगी उतने ही चंदा मामा उसमें दिख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऐसा लग रहा है कि चंदा मामा जल के झूले पर बैठ करके झूला झूल रहे हैं और ये लहरें उन्हें धीरे 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 अपने जल के झूले में बैठकर झुला रही हैं। माँ ऐसा झुलाती हैं, जब लहरें ऊपर उठती हैं तो चंदा मामा ऊपर चले जाते हैं, जब लहरें नीचे जाती हैं तो चंदा मामा नीचे आ जाते हैं, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से हो रहे हैं चंदा मामा। ऐसा लगता है कि जैसे ये लहरें उन्हें अपने झूले में झुला रही हैं, जल के झूले में झुला रही हैं और चंदा मामा आराम से झूल रहे हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। माँ इन ये ऐसी इन लहरों से आवाज़ ऐसी आ रही है कि जैसे ये गाना गाती हैं। रुकती न कभी ये क्षणभर भी, जीवन भर बहना सीखा है, भर उमंग सदा हृदय में आगे बढ़ना ही सीखा है। ये कभी भी रुकती नहीं है, चाहे जब नदी के किनारे पहुँच जाओ हैं तो हमेशा ये लहरें उसी तरह से चलती रहती हैं, ना कभी क्षणभर के लिए भी रुकती भी नहीं है, ना ही ये थकती है, इनने जिंदगी भर केवल बहना ही सीखा है। बहती जाती हैं बहती जाती हैं बहती जाती हैं, तो क्षणभर भी रुकती नहीं है, जीवन भर बहना सीखा है, भर उमंग सदा हृदय में, और हमेशा खुश होकर हृदय में खुश होकर के मतलब जिंदगी भर जो बहती रहती है जीवन भर, और वो भी खुश होकर कर बहती हैं, और बहती हैं तो आगे ही बढ़ती जाती है ना, लौट के नहीं आती ना, तो ऐसा आगे ही बढ़ना सीखा है, खुश होकर के आगे ही बढ़ना सीखा है। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ ये कहती आती हैं। क्या कहती हैं इनसे, क्या ये हमको क्या सीख देती हैं
कि आप लोग भी परेशानियों से घबराओ मत, हम लोग भी परेशानियों से घबराएं नहीं, और हंसते हंसते बड़ी बड़ी कठिनाइयों को झेल लो और जीवन पथ पर आगे बढ़ते चले जाओ। ये कहती आती हैं, ये हमसे ऐसे कह रही हैं कि जैसे परीक्षा में मान लो किसी सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर बढ़ते चले जाओ, फिर आगे से तैयारी करो उसकी। तो जीवन पथ पर बढ़ते जाओ, जैसे जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए कह रही है ना, उसी तरह परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए कह रही है कि अच्छी कोई बात नहीं, इस बार कम नंबर आए कोई बात नहीं, अगले बार अच्छी तैयारी कर लो और उससे आप लोगों को अच्छा परिणाम मिलेगा। बस पथ पर बढ़ते जाओ, यह कहती आती हैं, ये कहती हैं लहरें, ऐसा लगता है कि ये कह रही हैं ऐसे कि जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाओ, माँ ये लहरें भी गाती हैं, माँ ये लहरें भी कल कल छल छल की आवाज़ में गाती हैं, है ना। ये आपकी कविता हुई, इसमें आपको समझ में आया कविता में, और नहीं समझ में आया तो हमको फिर से बोलना, हम फिर से समझा देंगे, ठीक है ना। तो ये कविता समझी आपने, अब इसके क्या करेंगे, होमवर्क में क्या देंगे आपको, सबसे पहले तो पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर कौन सी बनाएंगे, ये वाली बनाएंगे, चंदा मामा को देख करके बच्ची ये खुश हो रही है, और देखो ये चंदा मामा लहरों के ऊपर भी नीचे भी बने हुए हैं, बने हैं ना लहरों में ये, इसी तरह से। तो ये वाली पिक्चर बनाना आपको, ठीक है, चित्र बनाना है, और उसके बाद ये कविता लिखना, कविता लिखना है और पढ़ना भी है, और यदि और समझना भी है, यदि समझ में नहीं आई हो तो हमसे फिर पूछ लेना है, है ना। तो ये आपकी कविता लिखना है, उसके बाद क्या करना है, कविता लिख लेंगे, पिक्चर बना लेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम शब्दार्थ। शब्दार्थ मालूम है कैसे लिखे जाएंगे, शब्दार्थ लिखने के बाद शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ अर्थ लिखेंगे, और बीच में खड़ी रेखा खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, और एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ, एक शब्द की तरफ तट, अर्थ की तरफ किनारा, शब्द की तरफ मधुर स्वर और अर्थ की तरफ मीठी आवाज़, इस तरह से आपको ये करना है होमवर्क। अब हम आपको, हाँ तो ये इतना आपको करना है, उसके अब हम आपको ये कराते हैं कविता की पंक्तियाँ पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। सही जो कविता की पंक्तियाँ क्या हैं, रुकती न कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है, भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है, हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ, यह कहती आती हैं माँ ये लहरें भी गाती हैं। ये आपको ये दोबारा से ये पैरा दिया। अब इस प्रश्न में इसके इसमें से प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर इसमें से छांट करके इसमें निशान लगाना है। जैसे भर भर उमंग सदा हृदय में, पंक्ति का अर्थ है भर भर उमंग सदा हृदय में, पंक्ति का क्या अर्थ है, हृदय में उमंग की नदी, दिल में जोश भरकर, शोक से भरा हृदय, उमंगों से भरा आंचल, क्या होगा इसका, इन चारों में से दिल में जोश भरकर, भर भर उमंग हृदय में का अर्थ होगा भर भर उमंग सदा हृदय में, इसका मतलब होगा दिल में जोश भरकर, इस वाले पर निशान लगाएंगे। अब दूसरा है, कवि किसके गाने की बात कर रहा है, इस कविता में किसके गाने की बात हो रही है, पक्षियों के, लहरों के, फूलों के, उमंगों के, किसके गाने की बात हो रही है इसमें, लहरों के, हाँ तो क्या लिखेंगे, लहरों पे निशान लगाएंगे, ये है लहरों, वैसे ये बात है लहरों के, उस पर निशान लगाएंगे। अब है जीवन भर बहना सीखा है, पंक्ति का अर्थ है लहरें खो जाती हैं, जीवन भर रुक रुक कर चलती हैं, निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती हैं, बहना सीख रही हैं, इसका क्या अर्थ होगा,
निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती हैं, लगातार अपने जो लक्ष्य की प्राप्ति, जो लक्ष्य की प्राप्ति का संकल्प लिया है, मतलब जो इनका उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए उसकी ओर बढ़ती चली जा रही, तो क्या होगा, निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो पहले का उत्तर होगा भरभर उमंग सदा हृदय में, पंक्ति का अर्थ है दिल में जोश भरकर। है कवि किसके गाने की बात कर रहा है, कवि लहरों के गाने की बात कर रहा है। जीवन भर बहना सीखा है, पंक्ति का अर्थ है निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती है, मतलब जीवन और बहते चले जा रहे हैं। इसी तरह से आप लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उससे क्या होगा, अच्छे नंबर तो आएंगे ही, है ना। इस तरह से ये हो गए। अब हम प्रश्न उत्तर और ये वर्ण विच्छेद कल कराएंगे, क्योंकि आज हो नहीं पाएगा, है ना। कल नेक्स्ट पीरियड में, कल मीन्स नेक्स्ट पीरियड जो हमारा आएगा उसमें हम कराएंगे ये। ठीक है, तो अभी होमवर्क तो हो गया आपका, कौन कौन सा हो गया, एक तो ये पिक्चर बनाना है, ये वाली पिक्चर बनाना है, है ना, ये पिक्चर बनेगी और ये कविता लिखी जाएगी, पर राइटिंग सुंदर होना चाहिए, मात्राओं की गलती नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। दो हो गया, उसके अलावा तीसरा फिर हम लिखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ मालूम है आप लोगों को कैसे लिखा जाता है, है ना, तो शब्दार्थ लिखना है। और उसके बाद वो एक पेज सुलेख लिख, ये तो आपको केवल बुक में ही फिल करना है, हैं, इसको कॉपी में नहीं लिखना है। जितने भी ये एक्सरसाइज है इसको जितना इसमें बुक में भर पाएंगे उसको बुक में ही भरना, कॉपी में अलग से नहीं लिखना है, इसको केवल बुक में फिल कर देना है। तो पहले में अपना हमने लगा दिया दिल में जोश भरकर में निशान लगाना है, दूसरे में लहरों के में निशान लगाना है, तीसरा निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती है, इस पे निशान लगाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका होमवर्क। और एक पेज करना है आपको वर्कबुक में से सुलेख, ठीक है, सुलेख हो गया। और थोड़ा सा श्रुत लेख हम भी आपको बोल दें, ठीक है, तो पाँच छः सात जितने भी शब्द होंगे उतने हम बोलेंगे आपको, और सब लोग आप लिखिए। ठीक है, तो लिखना चलो शुरू करो। सबसे पहले लिखो खिलौना। दूसरा लिखो निरंतर। नंबर दो निरंतर, खिलौना निरंतर, लिख लिया निरंतर। अब लिखो उद्देश्य। लिखा उद्देश्य, अब लिखिए हृदय। हृदय, अब लिखो मधुर। मात्राओं को ध्यान से सुनना फिर लिखना, है ना, मात्राओं छोटी बड़ी वो क्या, छोटी बड़ी ई का, इन सब बहुत ध्यान रखा करो, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाता है फिर। मधुर, अब लिखो मचलना
मचलना। हुआ मचलना। अब लिखना है उमंग। ओ मंग उमंग। उमंग लिखा। अब लिखो आवश्यकता। आवश्यकता आवश्यकता। अब लिखना है असंभव। असंभव असंभव। और अंत में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। हो गया। एक बार और मिला लीजिए। सबसे पहले खिलौना, नंबर दो निरंतर, नंबर तीन उद्देश्य उद्देश्य, नंबर चार हृदय, नंबर पांच मधुर मधुर, नंबर छह मचलना, नंबर सात उमंग, नंबर आठ आवश्यकता, नंबर नौ असंभव और सबसे अंत में नंबर दस प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। हो गया। तो ये हो गया आपका होमवर्क। श्रुतलेख और कविता लिखना है, चित्र बनाना है, शब्दार्थ लिखना है और श्रुतलेख। क्या ये आपका हुआ होमवर्क। अब नेक्स्ट पीरियड में हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर कराएंगे। और नेक्स्ट जो है वो दे रखा है जो मतलब पाठ पूरा कराएंगे। इस पाठ को हम ये वर्ण विच्छेद जो है वो पूरा कराएंगे और जो आगे भी दे रखा है वो भी कराएंगे, है ना, नेक्स्ट पीरियड में थर्सडे को। ओके ओके बाय। तो ये आपका आज का पाठ हो गया। नेक्स्ट पीरियड में हम कल कराएंगे। ओके गुड डे।